नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी मैचिंग करने के लिए, कभी किसी पार्टी ने पूछ लिया जाता है। विभिन्न प्रकार की पार्टियाँ हमारे यहाँ बनी हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सकें। चलिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर राजनीतिक दलों के बारे में, कौन कौन सी हमारे पास पार्टियाँ हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक दल कहते किसे हैं, क्या परिभाषा है इसकी। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है उसे हम कहते हैं राजनीतिक दल। उसका एक ऐसा उद्देश्य होता है कि एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़ने के लिए या सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह काम करती है, वो कहलाती है राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दलों के तीन प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक होते हैं। कुछ प्रमुख नेता होते हैं, कुछ सक्रिय नेता होते हैं और कुछ उनके फॉलोअर होते हैं। जो पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। सरकार बनाना व चलाना इसका मुख्य कार्य होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक दलों के कोई दो कार्य लिखिए, कानून बनाना, चुनाव लड़ना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, ये जो कार्य होते हैं ये सभी राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है। अब हम यह बात करते हैं कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये दल नहीं होंगे, तो इनकी क्या आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट आपका है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक होते हैं। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक होते हैं, सरकारी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक होते हैं, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता महसूस होती है। प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल, हमारे पास बहुत सारे राज्य दल होते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, तो क्या दोनों में है। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को मान्यता कब मिलती है, जब वो कुल वोटों का 6% या कम से कम 2 सीटों पर सत्ता, वो 2 सीटें जीत लेता है तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है कि ये इस राज्य का दल है। अगर अगला है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का 6% हिस्सा हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। कितना, अगर वो लोकसभा चुनाव में कुल वोट पड़े अथवा 4 राज्यों के विधानसभाओं में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर लेता है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें दर्ज कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। जैसे कि हमारे पास BJP है, कांग्रेस है, BSP है, ये जो पार्टियां हैं ये राष्ट्रीय दल हैं। दलीय प्रणाली क्या होती है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दलीय प्रणाली, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी होती है, यानी कि ऐसे बहुत सारे देश हैं केवल एक ही पार्टी होती है और ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे एक ही पार्टी की हमेशा सरकार बनती है। कुछ देशों में सत्ता 2 प्रमुख दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। यहाँ पे 2 दल हैं, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि भारत, कभी यहाँ BJP आती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी गठबंधन आ जाता है, यानी कि बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, कभी कोई, इसको हम बोलते हैं बहुदलीय
व्यवस्था। तो आपने देखा एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था। एक एक नंबर में कभी कुछ नहीं है पूछ लेता है। कौन कौन से भारत के राष्ट्रीय दल हैं? दल का नाम देखेंगे पहले, दल का नाम, चुनाव चिन्ह क्या है, स्थापना वर्ष क्या है और कौन सी विचारधारा की स्थिति है और 2019 में उनकी क्या स्थिति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा, आप जानते हैं। इसकी स्थापना हुई 1885 में मध्य मार्गी धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक के समुदाय के हितों की रक्षा करना इसकी विचारधारा है। और 2019 में इसने सीटें दी थी, वो थी उसकी 52 सीटें लोकसभा में। दूसरी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, स्थापना 1980। इसकी विचारधारा जो है वो प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता को आगे ले जाना इसकी विचारधारा में है। किसकी? बीजेपी की। में 303 सीटें इसने लोकसभा में प्राप्त की। अगला है बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP, चुनाव चिन्ह जो आपका है हाथी, और 1984 में इस पार्टी की स्थापना हुई। बाबा साहब फूले पेरियार के विचारों से प्रेरित, धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जनजाति व जनजाति के लिए प्रावधान और उनके हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और लोकसभा में इसने 10 सीटें प्राप्त की। अगला आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा और सितारा, और 1964 में इस पार्टी की स्थापना हुई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध इसकी विचारधारा है। और लोकसभा में इसने 3 सीटें प्राप्त की। अब आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गेहूं की बाली और हाशिया, 1925 में इसकी स्थापना हुई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी संप्रदाय का ताकतों का विरोध, और लोकसभा में इसने 2 सीटें प्राप्त की। अगला आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह टेबल और घड़ी, 1999 में गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद आदि की विचारधारा से प्रभावित, लोकसभा में इसने 5 सीटें प्राप्त की। ये तो थे राष्ट्रीय दल। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रांतीय दल हैं। हर एक राज्य में एक दल है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, महाराष्ट्र में शिवसेना, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, यूनाइटेड गोमांतक पार्टी, कर्नाटक जनता दल सेकुलर, केरल में केरल कांग्रेस मड़ी, इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तमिलनाडु में DMK, AIADMK, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उड़ीसा में बीजू जनता दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक और तृणमूल कांग्रेस, त्रिपुरा में इंडिजिनस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा, और कई सारे ऐसे राज्य, जैसे UP है, वहाँ BSP हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, कई सारी पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल पार्टी, मणिपुर में मणिपुर पीपल्स पार्टी, नागालैंड में नागालैंड पीपल्स पार्टी, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कांग्रेस, असम में असम गण परिषदी, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यहाँ से एक एक कभी कभी पूछ लेता है कि एक नंबर में कौन सी है, या फिर मैचिंग कर लेता है कौन से राज्य में कौन सी पार्टी है।
सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। ये जो कुछ प्रांतीय पार्टियां हैं इनको बोलते हैं राज्य पार्टी। कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 में आम चुनाव हुए। सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। 1985 में संसद ने दल बदल कानून पारित किया, उस समय राजीव गांधी की प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन आ जाता है कि दल बदल कानून कब पारित किया गया, उस समय कौन भारत का प्रधानमंत्री था? तो राजीव गांधी। वंशवाद की चुनौती, हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो चुनौती पहली है वंशवाद की चुनौती। आप इसमें लिख सकते हैं कि कई सारी ऐसी पार्टियां जिसमें हमेशा वंशवाद चला आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कांग्रेस एक के बाद एक। पारदर्शिता का अभाव, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, कई सारे अपराध उसके अंदर होते हैं, बड़े बड़े बाहुबल टाइप के लोग होते हैं तो अपराध करते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और विकल्पहीनता, लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है राजनीति में और बहुत सारी सामने चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। सुझाव, राजनीतिक दलों में सुधार के हेतु कुछ सुझाव हैं। दल बदल कानून को सख्त किया जाए। लोग कभी किसी पार्टी में होते हैं, छोड़ करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं, ऐसे कानून व्यवस्था की जाए ताकि उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाए। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे, यानी कि जो आपराधिक गण के लोग हैं वो सत्ता में नहीं आने चाहिए। राजनीतिक दलों में समय समय पर संकट चुनाव हो। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। तो कुछ ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और उसे लाइक करें। धन्यवाद।